नुह पुलिस ने 25,000 रुपए के दो इनामी बदमाशों को एक अवैध देसी कट्टा व दो कारतूस सहित किया गिरफ्तार। निरीक्षक सुभाष प्रभारी अपराध जांच शाखा तावड़ू ने जानकारी देते हुए बताया कि अपराध जांच शाखा तावड़ू की टीम ने राजस्थान के आबकारी अधिनियम के एक मुकदमे में 13 वर्ष से वांछित चल रहे 25,000 रुपए के दो इनामी बदमाशों को एक अवैध देसी कट्टा व दो कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान राकिब पुत्र जुम्मा निवासी नानुका व अली मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद निवासी चुंदिका थाना सदर तावड़ू जिला नूह के रूप में हुई है। आगे जानकारी देते हुए बताया कि वीरवार को वह अपनी टीम के साथ गश्त पर नूह तावड़ू गोल चक्कर पर मौजूद था। उसी समय गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी राकिब पुत्र जुम्मा निवासी नानुका व अली मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद निवासी चुंदिका थाना सदर तावड़ू जिला नूह राजस्थान प्रदेश के आबकारी अधिनियम के एक मुकदमे में वांछित चल रहे हैं। आरोपी अपने पास अवैध हथियार रखते हैं जो कहीं जाने के फिराक में भडंगपुर मोड़ पर खड़े हैं। सूचना के आधार पर अपराध शाखा तावड़ू पुलिस ने बताए गए स्थान पर दबिश देकर दोनों युवकों को काबू किया। नाम पता पूछने पर एक शख्स ने अपना नाम राकिब उपरोक्त व दूसरे ने अपना नाम अली मोहम्मद उपरोक्त बतलाया। पहले युवक राकिब उपरोक्त की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक देसी कट्टा बरामद हुआ। वही दूसरे युवक अली मोहम्मद उपरोक्त की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से दो कारतूस बरामद हुए। पूछताछ पर आरोपियों ने बताया कि वे वर्ष 2010 में थाना मान टाउन राजस्थान के आबकारी अधिनियम के एक मुकदमे में वांछित चल रहे थे, जिस पर राजस्थान पुलिस ने आरोपियों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। जिस संबंध में आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ थाना सदर तावड़ू में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। इसके साथ ही राजस्थान पुलिस को भी आरोपियों की गिरफ्तारी की सूचना दे दी गई है। आरोपियों को आज नियमानुसार अदालत में पेश कर जेल भेजा गया है।